गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति, मोबाइल ने हमें अपनी क्लास से दूर कर दिया। एक नई माया आई हुई है आजकल, पता नहीं आपके पास है या नहीं, हमारे पास तो दिल्ली में आई। बहन जी हम ना ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं। बहन जी बहुत अच्छी मुरली आती है। बहन जी पहले तो एक ही सुनते थे, अब तो सारा दिन ही मुरली सुनते हैं। लगता है आपके पास आई तो चुप हो गए हो, कंफर्ट जोन में चले गए। मुरली सुन लेते हैं। आप बताओ माया आई है नहीं आई? आई हुई है ना, आज मिलके भगाएंगे इसको, भगाएंगे। आप मुझे बताओ, यहां बहनें योग कराती हैं, दृष्टि देती हैं, मोबाइल आपको दृष्टि देगा? पथराई आंखें होती हैं। दिव्य दृष्टि मिलेगी आपको? अच्छा, यहां तो हम आएंगे सेंटर पर, दीदी टोली भी खिलाएगी, खा लो टोली मोबाइल से। कालो मिलेगी टोली मोबाइल से? चुप हो गए हो, बोलो हाँ हाँ या ना बोलो। हाँ मिलेगी? पांडव बोलो नहीं मिलेगी ना। अच्छा लगा लो भोग भगवान को, दिल को खुश। भोग रखा है हम लगा रहे हैं। अरे उसने स्वीकार किया नहीं किया, भोग आपको मिला वो काय? हाँ ये अवश्य है, जब इमरजेंसी थी, जब कोरोना था, प्रॉब्लम थी, तो बाबा ने ये साधन दिया था। लेकिन जब पूरा हो गया तो उसके बाद इसका मतलब क्या? नहीं, मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूं। जो मजा हमको मुरली हाथ में लेकर के पढ़ करके सुनाने में आता था, जब ये किताबें निकली ना, तो मैंने ये क्या है किताबें बना रहे, बाबा की मुरली किताब, उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता था। जो आनंद बाबा की मुरली जो छपके आती मधुबन से, उसको पढ़ के सुनाते थे, जो मजा उसमें आता था, मेरे किताब में क्या है, किताब उठा के पढ़। तो हमें साधन को यूज करना, मैं मना नहीं करती, साधन को यूज करना, लेकिन साधन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अंगूठे के नीचे रहना चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए। एक ही बात तो ये है, जिस समय मुरली चलती है उस समय चार काम और भी होते हैं, होते हैं ना। तो आपने भोजन कैसे किया, चलते फिरते किया, शक्ति कितनी आएगी उसी अनुसार आएगी ना। तो हम अब जब खुल गया है, और प्यारे भाई और बहनों इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। ये सुख संगठन का ऑनलाइन में नहीं मिलता, नहीं मिलता। कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर आओ। पढ़ाई आराम में रह के नहीं की जाती, पढ़ाई तपस्या के रूप से की जाती है।
ये हमारी पढ़ाई तपस्या के रूप वाली है, उसकी नहीं है। और हमको क्या बनना है? जो बनना है उसकी तैयारी हमारी मानसिक रूप से हो, हमारी मनसा की शक्तियां स्ट्रांग हो, वो अभ्यास का है। मोबाइल उठाया, काम हो गया। वो जो तपस्या थी, मनसा शक्ति से हम भेजते थे अपने वाइब्रेशन भेजते थे, वो कहाँ है? ठीक है, मंजूर है? मंजूर है? सच सच बोलना, सच मंजूर है? ना तो आपको टोली मिलेगी, ना दृष्टि मिलेगी, ना भोग मिलेगा, ना वाइब्रेशन मिलेंगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहना, मंजूर है? नहीं, इकट्ठे बैठ के करेंगे ना, वंड खाओ खंड खाओ, परिवार, परिवार का सुख वो यही मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा ये परिवार, कहाँ मिलेगा? मिलेगा,